14 साल बाद मन्ना सिंह की तस्वीर पर चढ़ी फूलों की माला। 14 साल बाद मन्ना सिंह की पत्नी फिर फूट फूट कर रोई। चौदह साल बाद मुख्तार हुआ साफ, मन्ना सिंह को कुदरत का इंसाफ। माफिया मुख्तार की अपने आप मौत हो गई, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, आज हम बहुत खुश हैं, आज मेरे पति को आज न्याय मिला है, हमको यही उम्मीद था और भगवान ने ही मेरा आज साथ दिए हैं, इन्हीं उन्हीं की वजह से आज ये सब हुआ है। 29 अगस्त 2009, यही वो तारीख थी जब मऊ के ठेकेदार मन्ना सिंह उर्फ अजय प्रकाश सिंह और उनके साथी राजेश राय पर दिन दहाड़े गोलियों की बरसात कर दी गई। मऊ के नरई बांध में यूनियन बैंक के पास ठेकेदार मन्ना सिंह अपने साथी राजेश राय के साथ अपनी सफारी से रुके थे। इसी दौरान 3 बाइक पर 6 बदमाशों ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 5 मिनट तक हाईवे पर बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान मन्ना सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल राजेश राय ने 3.5 महीने बाद दम तोड़ दिया। देखिए, हमारे भाई ठेकेदार थे क्लास के, और ठेकेदारी की रंजिश को लेके ही उनकी हत्या कराई। हमेशा रंगदारी मांगी जाती थी कि आप काम छोड़ दीजिए, अगर काम लेना है तो काम जो ले रहे हैं उसका 10% हमको रंगदारी दीजिए। और भाई साहब बहुत ही स्वाभिमानी किस्म के थे, कभी उन्होंने इस तरह का दबाव नहीं झेला और उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। और समाज में ठेकेदारी प्रथा में एक दहशत फैलाने के लिए 29 अगस्त 2009 को हमारे भाई की निर्मम हत्या, जो एकदम बिल्कुल निर्दोष थे, कर दी गई और विवेचना के द्वारा उनका नाम प्रकाश में आया, सारे तथ्य सबूत में। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह PWD में ए कैटेगरी के ठेकेदार थे। ठेके को लेकर ही मुख्तार से उनकी अदावत चल रही थी। मुख्तार मन्ना सिंह से 10% रंगदारी टैक्स की मांग करता था, लेकिन मन्ना सिंह ने मुख्तार के आगे झुकना गवारा नहीं समझा, लिहाजा मुख्तार ने अपने गुर्गों को मन्ना सिंह को निपटा देने का फैसला किया। इसके पहले भी भाई साहब कई बार आशंका जता दी थी, उन्होंने आला अधिकारी प्रशासन तक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक और उच्च न्यायाधीश तक लेटर उन्होंने लिख के दिया था कि हमारे जान की कभी भी, मैंने हमारी कभी भी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने बलियां का भी जिक्र किया था कि बलियां जैसे तेरे हत्याकांड हमारे साथ कभी भी हो सकती है। मेरी जिंदगी मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे, जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। फोन आता था और हम नंबर देखते थे, लेकिन मेरे पति उठाने नहीं देते थे, अपने उठाते थे। फिर हमको पता भी चल गया कि मतलब ऐसे ऐसी बातें हैं। मन्ना सिंह के भाई हरेंद्र सिंह की तहरीर पर तब मऊ के सदर विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मुख्तार के गुर्गे हनुमान पांडे, कल्लू सिंह और उमेश सिंह समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए, लेकिन मुख्तार का आतंक यही नहीं रुका, उसने एक एक कर गवाहों को भी निपटाना शुरू कर दिया। 19 मार्च 2010 को मऊ में हत्या का चश्मदीद राम सिंह मौर्य की हत्या कर दी गई। गवाह राम सिंह की सुरक्षा में तैनात कांस्टेबल सतीश की भी हत्या कर दी गई। हम लोग तो थे ही, थोड़ा सा रिजर्व रहे अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन समाज परिवार हमारे, मैंने समाज जो अपने समाज में अपने लोग थे वो भी हम लोगों से दूरी बना लिए, इतना खौफ था। और सुबह शाम निकलते समय, घर में रहते समय भी, कि कभी भी हम लोगों के साथ अपनी घटना घट सकती है। और इसका खामियाजा 19 मार्च 2010 को राम सिंह मौर्या की हत्या, उनके सुरक्षा में लगे सतीश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद मन्ना सिंह की पत्नी और बेटे ने हार नहीं मानी, उन्होंने मुख्तार के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। तब पत्नी और बेटे ने कसम खाई थी कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मन्ना सिंह की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ेगा। 14 साल बाद मुख्तार की मौत हुई तो मन्ना सिंह की तस्वीर पर माला चढ़ी। मेरा पूरा परिवार इस ईश्वरीय न्याय को लेकर के संतुष्ट है, शांत महसूस कर रहे हैं। और जो चीजें चली गई अब वो वापस तो नहीं आ सकती है, लेकिन कल की चीजों को देख करके यह लगा कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा और जैसा जिसने किया है वैसा उसको भगवान ने खुद दे दिया,
मुझे न्यायपालिका पे भरोसा था कि आज नहीं तो कुछ दिन बाद मुझे वहाँ से न्याय ज़रूर मिलता, क्योंकि हम सही के रास्ते पे मेरा पूरा परिवार चला। लेकिन पाप का घड़ा इतना भर चुका था कि भगवान ने शायद न्यायपालिका के पहले उन्होंने खुद ही अपनी अदालत से न्याय कर दिया। 8 साल तक मन्ना सिंह हत्याकांड की सुनवाई हुई, 22 गवाह थे, 17 गवाहों की पेशी हुई, लेकिन मुख्तार का खौफ ऐसा था कि एक एक गवाह मैनेज हो गए और मुख्तार अंसारी बाइज्जत बरी हो गया। भले ही कानून की अदालत ने उसे बख्श दिया, लेकिन कुदरत की अदालत ने उसे जिंदगी से ही बरी कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन।